In today's episode, I will be discussing about one very important statement, very profound statement of Stephen Hawking in chapter Choosing Our Universe. Okay, this chapter is there in his book, a very renowned book, The Grand Design. In that chapter, Stephen Hawking says that we create the histories of universe rather than universe or history of universe creating us. Sarmaji, iske baare mein yogic science kya kehti hai? Ki jo universe ki history hai, usne hame create nahi kiya hai, balki हम यूनिवर्स को चुनते हैं और हमारे अनुसार ही यूनिवर्स का जो पूरा सिस्टम है वो क्रिएट होता है. योगिक साइंस, व्हाट इज द स्टैंड पॉइंट ऑफ योगिक साइंस इन दिस? देखिए, हॉकिंग जी जो बोल रहे हैं अपने चार लाइनों में, जो कुछ भी लाइनें आपने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी और गहरी हैं. तो इसमें कंप्लीट जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जितनी भी नाना प्रकार स्थितियां हैं, चाहे वो सौर मंडल हैं, चाहे वो ग्रह हैं, चाहे वो कोई सूक्ष्म चीज़ें हैं, चाहे वो हार्ड चीज़ें हैं, आप जितनी भी ब्रह्मांड की चीज़ें हैं, वो ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड ने अपने में से क्रिएट करी या नहीं करी, ये बात का विषय आएगा. मगर इस वक्त जो जो लाइन आपने बताई है, वो ब्रह्मांड की हर चीज़, हम केंद्रित हैं, हम केंद्रित हैं, केंद्र से हर चीज़ स्पष्ट होती है. ये बिल्कुल योगिक साइंस का सिद्धांत है कि जहाँ पर के केंद्र होना चाहिए, केंद्र, जब तक केंद्र स्थापित नहीं होएगा, किसी चीज़ को आप स्पष्ट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते ना स्पष्ट कर सकते, दोनों काम. तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारे केंद्रित होने से क्रिएट हुआ. जब हमारे केंद्र में क्रिएट हुआ है, तो अबे हमने उस ब्रह्मांड की से कुछ आदान प्रदान भी करना है. तो उसका पहला सिद्धांत है कि हमारे केंद्र में संकल्प की क्रिया हो. तो जो संकल्प की क्रिया होगी, तब हमारे संकल्प के क्रिया के अपोजिट, उसके खिलाफ हमारे जो है वो प्रतिक्रिया आएगी सामने से. जी. तो जो प्रतिक्रिया सामने से आई है, तो कंप्लीट ब्रह्मांड की जो चीज़ दृश्यमान है, जो अदृश्यमान है, दोनों चीज़ें हमने ही क्रिएट करी हैं. ब्रह्मांड ने हमें नहीं क्रिएट किया. जी. हमने ब्रह्मांड को क्रिएट किया है. तो हमने ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, तो अब हमने क्रिएट किया है, तो इस ब्रह्मांड के क्रिएट से आप करोगे क्या? तो सवाल ये उठा कि इसे हम जब उपयोग में लाते हैं, तो उपयोग में लाने में हमारे पास में ब्रह्मांड की कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु पदार्थ जब हम उपयोग में लेते हैं, तो उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव हमें दोनों झेलने पड़ते हैं. अच्छा, एक प्रश्न था. जी, प्रश्न ये है कि क्या आप पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि जब हम केंद्रित होते हैं और हमारे केंद्रित होने से ये ब्रह्मांड क्रिएट कैसे होता है? जी जी जी, ये प्रक्रिया, ये जब हम कोई भी जीव, जहाँ चेतन की प्रक्रिया है, जो हमने चतुर्भुजा वाला, जिसके चार डायमेंशन हैं, अगर फोर डायमेंशन वाला चेतन अगर कहीं पर अपनी प्रक्रिया कुछ करना चाहता है, तो वो अपने में न्यूट्रल एक पोजीशन है, वो नहीं कर सकता. मगर जहाँ पर उसके ही अंग और उसके अंश, जब अंश रूप में उसे क्रिएट करते हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद होता है. तो जैसे ही वो मौजूद होता है, तो ये पहली क्रिएटिंग है उसकी. ये हमने आपको जो बताई है, ये उसकी एकदम स्टार्टिंग क्रिएटिंग है कि उसने इस वक्त जगत नहीं क्रिएट किया. उसने इस वक्त जो चेतन की प्रक्रिया है और उसकी चैतन्यता, जो उसका प्रकाश है, जी, जो उसकी उसके ऐसे आयाम है, जो 10 डायमेंशन है, जी, उन 10 डायमेंशन के आयाम को उसने क्रिएट किया है.
तो जो क्रिएट किया है तो अभी जगत का निर्माण होएगा और जगत अभी क्रिएटिंग में आएगी अगली प्रोसेस में जी। जब वो जब अपने शब्द शक्ति और गति से जब वो क्रिएटिंग बनाता है जी। तब ये सारा का सारा दृश्य और अदृश्य कंप्लीट ब्रह्मांड, हम सौर मंडल की नहीं बात कर रहे हैं किसी की, कंप्लीट ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड में जो चीज उपलब्ध है वो आपके केंद्र में आपने ही क्रिएट करी है, ना कि ब्रह्मांड ने क्रिएट किया आपको। क्रिएशन की पहली स्थिति में जी, मैंने पहली स्थिति में आपने कहा कि ये 10 डायमेंशनल होती है, ये 10 डायमेंशनल पहली 10 डायमेंशनल होती है, पहली 4 है वो 4 डायमेंशन है, फिर उसके बाद वो 10 डायमेंशन है, चेतन की शक्ति, चेतन की चैतन्यता, उसकी चैतन्यता, चैतन्यता। जैसे मैंने एक दिन पहले बताया था कि सूर्य एक अलग चीज है और धूप एक अलग चीज है, तो चेतन्यता है उसकी जी। तो जो चेतन्यता है ये सारी की सारी चेतन्यता से चेतन्य क्रिएट करी है जी। मगर चेतन्यता तो क्रिएट हो गई जी, और चेतन कहाँ है, तो चेतन उसमें अपनी चेतन प्रक्रिया वहां पर अंश रूप में मौजूद है, मगर वो किसी भी एंगल से किसी भी आपके यंत्र से स्पष्ट नहीं हो रही है, मगर अंतर के आत्म दृष्टि से वो चीज भासती है। और ये जो संसार आपको भास रहा है, ये संसार है नहीं मगर फिर भी आपको भास रहा है, हर एंगल से स्पष्ट हो रहा है क्योंकि इंद्रियगत ज्ञान है इसमें, मगर ये संसार अंततः है नहीं, अंततः आपकी वही पोजीशन है जो आपकी पीछे स्थिति है, चेतन है और उसकी चेतनता है, ये शेष है, ये मूल है, ये बेस है, ये उसका फाउंडेशन है, ये जगत का फाउंडेशन है। तो इस पे जो है ये इस चीज की हमने आपको क्रिएटिंग बताई कि ये कैसे क्रिएट होता है, ये ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हो गया, ये आपकी संकल्प की प्रक्रिया है और ये इस तरीके से क्रिएट होता है। फिर आगे वाले आगे चीजें जो कुछ भी आपके अंदर है, हर चीज मौजूद है, आपकी एक छोटे से बिंदु में पूरा का पूरा ब्रह्मांड उपलब्ध है जी। मगर वो स्पष्ट नहीं है जी। और किसी भी दृष्टि से उसे आप देखना चाहें तो वो देखने के लिए उसे फैलाना पड़ता, उसे बड़ा करना पड़ता, जिसे साइंस ये कहती है कि बड़ा हो रहा है। हम भी कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो अगर एक बच्चा है बड़ा हो रहा है, मगर मैंने कभी बूढ़े आदमी को नहीं सुना है कि बूढ़ा आदमी बड़ा हो रहा है जी। तो एक सीमा में साइंस अगर कहे कि नहीं ब्रह्मांड बड़ा हो रहा, ब्रह्मांड नहीं बड़ा हो रहा, ब्रह्मांड के अंदर की जो चीजें हैं वो छोटी हो रही हैं या नाश हो रही हैं, या ब्रह्मांड जो है ना जो चीजें वहां पर दृश्यमान हैं या अदृश्यमान हैं, वो चीजें आपस में कन्वर्ट होकर के और वो बड़ी हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं वो बड़ी हो रही हैं, उनके आप बड़े होने के आधार पर ब्रह्मांड का बड़प्पन नहीं नाप सकते। ब्रह्मांड के अंदर अगर 100% है तो 100 में कोई चीज एक 40 है, 40 वाली 41 42 हो रही है, तो उधर से घट भी तो रही है, जो 60 है वो घट रही है, जैसे ही आपकी 41 हुई वैसे ही वो 59 रह गई है। तो एक चीज इधर से क्रिएट होती है, उधर से डिसक्रिएट होती है, उधर से खत्म होती है, मगर है 100 का 100, ब्रह्मांड के अंदर की स्थिति 100 ही है। तो ये ब्रह्मांड कोई अगर साइंस बोलता है, साइंटिस्ट कोई भी बोलता है कि ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, तो वो शायद अपनी जगह पे गलत है। अच्छा, ओके, वी कैन सी वन थिंग व्हाट शर्मा जी हैज जस्ट सेड, दैट whatever we are observing in the universe or the whole universe, the observer is very very important. The creation of this whole universe depend upon the observer. Observer means consciousness, and until there is a center in the consciousness, the whole universe cannot be created. So it is the center of the consciousness which creates this whole universe, not universe create us. Thank you very much.